हेलो दोस्तों, माय नेम इज अरुण कुमार। आई एम अ फैकल्टी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इन अ लोकस क्लासेस। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक वीडियो विच इज रिगार्डिंग अ एसएससी मेंस। किस तरीके से आप एसएससी मेंस में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, बढ़िया रैंक ला सकते हैं, अच्छे डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, उसके लिए कुछ पैटर्न होता है, उसको जस्ट फॉलो करना होता है आपको, देन यू कैन अचीव इट। अब इसमें क्या है, सबसे पहले बेसिकली आपको पता है कि अभी एसएससी प्री हुआ है, जिसकी रेस्पॉन्स शीट आ चुकी है आपकी, और जिसमें आपने देखा होगा काफी एरर्स भी दी हैं एसएससी ने आंसर की में। एंड आई होप जो मैंने आपको कट ऑफ प्रोवाइड कराई है वहां नियर पे पहुंच रहा हो, कट ऑफ के नियर हो काफी, वो जरूर क्वेश्चंस को चैलेंज करें। एंड मे बी कि आपके 3 to 4 क्वेश्चंस राइज कर जाएं, मार्क्स राइज कर जाएंगे इसका मतलब, और आप हो सकता है मेंस के लिए क्वालिफाइड कर जाएं। तो यहां पर मैं आपको पैटर्न समझाऊंगा कि किस तरीके से आप एसएससी मेंस की तैयारी कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास में कोई भी प्लानिंग नहीं होती और हम अनप्लान्ड वे में किसी भी चीज को तैयार करने लग जाते हैं, लेकिन यहां पर जो पैटर्न होगा इट इज ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे। बेसिकली हम क्या करते हैं, एक सर्वे करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, एंड उन सर्वे के बेसिस पर ही हम डिसाइड करते हैं कि आगे आने वाले क्वेश्चन जो होंगे वो किस टाइप के होंगे या क्या उसका पैटर्न होगा एग्जाम का आने का। क्लियर हो गया? तो पैटर्न जो है एसएससी जेई का, मेंस का, वो शुरू में आप कह सकते हो 6 to 7 years तो सेम रहा है, बट अभी अगर आप बात करोगे लास्ट 6 years तो पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो चुका है एग्जाम के आने का। पहले कुछ सिलेक्टेड सब्जेक्ट थे, उन्हीं पे क्वेश्चंस बनते थे, अब इन्होंने सब्जेक्ट्स को इन्वॉल्व करना शुरू किया है और क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया है अलग अलग सब्जेक्ट्स में। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन होती है। और हम जो कोचिंग में आपको प्रोवाइड कराते हैं वो कराते हैं इजी मेथड क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, क्योंकि अगर मैं आपको डिफिकल्ट मेथड से वही क्वेश्चन कराऊंगा उतने ही मार्क्स का, हो सकता है आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दें एग्जाम में, बट हम जो प्रोवाइड कराएंगे क्वेश्चंस आपको वो बहुत इजी मेथड में प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आप इजिली सॉल्व भी कर सकते हो। तो आप आइए कोचिंग में, स्पेशल बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, 2 batches स्टार्ट हो चुके हैं एसएससी जेई मेंस के, डीएमआरसी का भी स्पेशल बैच चल रहा है, तो आप आइए और ज्वाइन कीजिए क्योंकि आप टाइम आपके पास बहुत कम है। ठीक है, लक्ष्मी नगर में लोकस क्लासेस के नाम से आप देख सकते हैं, साइट पर भी आपको अवेलेबल है, और आप जल्दी आइए, लेट ना करें बिल्कुल भी। अब जो पैटर्न रहेगा एसएससी जेई का, किस तरीके से चेंजिंग आ रही है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि क्या पैटर्न है एसएससी जेई का। क्लियर हो गया? तो यहां पर एसएससी जेई का जो पैटर्न है वो क्या है, देखिए अब आप यहां पर मैं आपको समझाना चाहूंगा कि एसएससी का पैटर्न है क्या। क्लियर हो गया? सो दिस इज द पैटर्न ऑफ अ एसएससी जेई मेंस। ये पैटर्न में आप देख सकते हैं, जो पैटर्न बनाया गया है, अब आप यहां पर चेंजिंग देखिए किस हिसाब से चेंजिंग हुई है, क्योंकि आपको अपडेट करना बहुत जरूरी होता है अपने जो भी आपको पढ़ने का तरीका है उसको। ठीक है, अगर मैं बात करूं बिफोर 2010 जो एसएससी मेंस होता था, सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं मैं सब्जेक्ट्स की, तो जो आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल था, ये जो भी सब्जेक्ट्स थे वो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आपके कम थे, जिसमें क्वेश्चंस भी जो थे वो भी एवरेज, जो मैंने आपको एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया है ये लगभग फिक्स थे, इसी पैटर्न में क्वेश्चन आते थे। क्लियर हो गया? यही पैटर्न आपका रहता था लेने का, जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 4 questions थे नियरली, एवरेज है ये। क्लियर हो गया? किसी में 3 भी हो सकते हैं, किसी में 4 भी हो सकते हैं, लेकिन एवरेज यही था। कंक्रीट टेक्नोलॉजी 3 questions, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन 3 to 4 questions, आरसीसी 3, स्टील 2 to 3, एफएम 2, एनवायरमेंट 2, सॉइल नियरली 3, एंड सर्वे 2 to 3 questions। क्लियर हो गया? ये पैटर्न था आपके, ये नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स से जिन पे क्वेश्चंस पहले बनते थे बिफोर 2010, ये तो पहले की बात है। लेकिन अगर हम आज की बात करें आफ्टर 2010, तो देखिए पैटर्न में क्या चेंजिंग हुई है। एक तो आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बढ़ा दिए, पहले
पहले क्या होता था आपके हाईवे इरिगेशन या फिर कोस्टल एस्टिमेशन से कोई भी क्वेश्चन नहीं आते थे, बट आज के टाइम में जो है क्वेश्चंस आपके ऊपर से कम करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं ऑन अ स्पेशल सब्जेक्ट। ओके क्लियर हो गया। यहां से सोम कंक्रीट टेक्नोलॉजी बीएमसी में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आपने क्या कर दिया, कम कर दिया और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स को ऐड कर दिया। तो ये पैटर्न है आज के हिसाब से। तो अब आप समझ सकते हैं कि हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन करनी है। लेकिन जो क्वेश्चंस होंगे, जिस तरीके से मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा वो आईईएस लेवल के क्वेश्चंस होंगे। मींस कितना भी टिपिकल क्वेश्चन आ जाए आपका, आप 100% उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये पैटर्न हमारा रहेगा। आप बस आइए कोचिंग को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए और वहां पे मैं आपकी हेल्प करूंगा फुली। और जो मैंने आपको कट ऑफ दिखलाई है एसएससी जेईई सिविल के लिए, नियरली वही कट ऑफ होगी आपकी। क्लियर हो गया। तो ये चीज आप ध्यान रखिए और इस पैटर्न के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन आपको करनी है। किसी भी चीज को प्लांट में लेकर चलते हैं, उसी के बेसिस पर हम तैयारी करते हैं। तो ये आपका पैटर्न है एसएससी जेईई मेंस के लिए। इसके लिए तैयारी कीजिए और जल्दी आइए। मुझे इंतजार है आपका कि आप जल्दी से जल्दी आए और अच्छा आउटपुट दें, सिलेक्शन आपका अच्छा हो, टॉप रैंक आप लाएं एसएससी जेईई मेंस में। तो फर्दर मैं आपसे बोल देता हूं, जो एड्रेस है हमारा वो है लोकस क्लासेस लक्ष्मी नगर, मेट्रो स्टेशन जो है बिल्कुल उसके पास है, न्यू दिल्ली। ओके, तो ये हमारा सेंटर है, यहां पर आए और फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपनी पूरे एफर्ट के साथ में स्टडी करें। ओके, थैंक यू सो मच।